हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम एक्सेल 2007 को 7 के अंदर डाटा एनालिसिस को कैसे डाउनलोड करते हैं वो सीखने वाले हैं। आई होप कि आपके लिए मेरी यह वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगी। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए देखते हैं। एक्सेल 2007 जो है उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है एमएस एक्सेल 2007 में। उसमें साइड में कॉर्नर वाले इस आइकन पे जाकर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वहां पे ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप नीचे ही नीचे देखिए एक्सेल ऑप्शन वाला जो है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जिसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें साइड में देखिए आप एड इंस वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है। ये देखिए एड इंस वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखिए एनालिसिस टूल पैक जो है ये वाला यही हमें चाहिए है। जिसके बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे गो लिखा हुआ है, गो पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए नीचे गो लिखा हुआ है तो गो के ऊपर आपने क्लिक करना है। जिसके बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन वहाँ पे खुल के आएंगे एडियंस के अंदर। तो एनालिसिस टूल पैक जो है इस पर हमने राइट क्लिक वाला ऑप्शन लेके आना है। जैसे अगर मैं दूसरे पे करके दिखाऊं तो जैसे ये लुकअप वाले पे देखिए इस तरह से एनालिसिस टूल पैक पर राइट क्लिक होना चाहिए और उस पर राइट टिक का निशान होने के बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बस आपका डाटा एनालिसिस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आप फ्रंट पेज पे जाके डाटा के अंदर जाके देखेंगे तो आपका ये देखिए डाटा एनालिसिस वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। था ना बहुत ही जी। अब देखिए अगर हम डाटा एनालिसिस को ओपन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कोरिलेशन, एनोवा वगैरह वगैरह, एफ टेस्ट वगैरह बहुत सारे। तो आप किसी भी टूल को इसमें से यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपके लिए यह यूजफुल रही होगी। थैंक यू।